हे गाइस, आप अक्सर चाहते हो ना कि कुछ ऐसा रेमेडी हो जो आप एक बार बनाओ और महीने भर इस्तेमाल करो और साथ ही साथ वो आपके लिए यूजफुल और इफेक्टिव भी हो। तो यस, आज का वीडियो वही है। हम लोग आज इस वीडियो में एक ऐसा हेयर स्पा क्रीम बनाएंगे जो ना कि सिर्फ बालों से डैंड्रफ दूर करेगा, आपके बालों का झड़ना रोकेगा, आपके बालों को स्मूथ और शाइनी बनाने वाला है और आप उसे स्टोर करके लंबे टाइम तक रख सकते हो। डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा हेयर स्पा क्रीम जो कि आपके बालों के लिए एक मेडिसिन जैसा हो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसानी से घर पर बनाना सिखाऊंगी पूरे प्रोसीजर के साथ। देखिए, इसके लिए मैं ले रही हूँ नीम लीव्स। अक्सर फ्रेश हो तो बहुत अच्छा है, बट ये एक दिन पुरानी पत्तियाँ हैं, आपको सच बता रही हूँ, इसलिए थोड़ी ये ड्राई हैं। बट इसको आपने पानी में डिप करना है और आधा पानी पका कर रख लेना है, जैसे कि मैं आपको अक्सर बताती हूँ। एक एंटीबैक्टीरियल वाटर है जो कि आपके बालों से हर तरह की प्रॉब्लम दूर करता है। साथ ही इसमें आप डालें कैस्टर ऑयल, आपको लेना है 2 चम्मच। आप देखते रहिएगा किस तरह ये पानी चेंज हो जाएगा एक हेयर स्पा क्रीम में। कैस्टर ऑयल ये तो आपके बालों की ग्रोथ भी प्रमोट करता है, आपके बालों का झड़ना भी रोकता है, आपके बालों को एक नया बूस्ट देता है। थर्ड और फाइनल इंग्रेडिएंट हमारा इसमें है जो कि है एलोवेरा जेल। फ्रेश नहीं लेना है, ले ले चलेगा, लेकिन आप उस फ्रेश एलोवेरा जेल का बनाया हुआ जो मास्क होगा उसे फौरन लगाना होगा, उसे आप स्टोर नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने मार्केट का लिया है और इसमें ऐड करने के बाद हल्के हल्के हाथों से आपने मिक्स करते रहना है, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर में फूलेगा, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी गाढ़ी होती जाएगी। ठीक है, तो आपको मैं इसीलिए हल्के हल्के स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ कि गाढ़ा होता गया है तो किस तरह नज़र आ रहा है। बस आपने फेंटते रहना है। जब कंप्लीट एकदम इसका टेक्सचर क्रीमी आ जाएगा तब आप समझिएगा कि ये तैयार हो चुका है। अब आप इसे किसी बाउल या फिर किसी बॉक्स में स्टोर करके रख सकती हैं। किसी भी महंगे बाजार के हेयर स्पा क्रीम से बेहद असरदार और बेहद वर्किंग है आपके बालों के लिए। साथ ही साथ इसमें नीम वाटर ऐड किया गया है तो ये आपके बालों के लिए गजब के मेडिसिन जैसे काम करता है। नीम की पत्तियों में ना कि सिर्फ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं बल्कि आपकी बालों से डैंड्रफ को दूर करता है, आपके जड़ों को रिपेयर करता है, आपके जड़ों को अच्छे से क्लीन करता है ताकि आपके बालों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, आपके बाल शाइनी और सिल्की लगे। इसे लगाने का तरीका सेम, जबकि तब तक रख सकती हो जब तक कि ये फिनिश ना हो जाए। एक ही बार में आपको रिजल्ट ना मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा।